हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु जी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीएचएसएल 10 मार्च 2018 को जो मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में जीएस से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और बाकी क्वेश्चंस चाहे रीजनिंग से रिलेटेड हो या इंग्लिश से रिलेटेड हो, वो भी हमारे पास आ चुके हैं। वो सभी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि किस तरह से बाकी सेक्शन का लेवल रहा। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं हम जीएस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन पूछा गया नेपाल से रिलेटेड। जी हाँ, नेपाल से रिलेटेड लास्ट जितनी शिफ्ट थी उसमें भी पूछा गया था, और इस शिफ्ट में भी नेपाल से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया वो था नेपाल का क्षेत्रफल बताइए, नेपाल का जो टोटल एरिया हमने बताना था। तो हम बात करें नेपाल, चार ऑप्शन आपको गिवन थे, तो उनमें से जो नेपाल का टोटल एरिया राइट आंसर होगा 147,181 किलोमीटर स्क्वायर। तो कुछ एडिशनल फैक्ट्स और जान लेते हैं नेपाल के बारे में। ये तो हमने बात करी है 147,181 किलोमीटर स्क्वायर, और एरिया वाइज ये बाकी सारे देशों में इसका जो रैंक है एरिया वाइज वो उसका रैंक है 93rd रैंक एरिया वाइज। और अगर हम बात करें हाईएस्ट पॉइंट, नो डाउट माउंट एवरेस्ट, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हाईएस्ट पॉइंट जो नेपाल में है माउंट एवरेस्ट, जिसकी जो हमारे पास कह सकते हैं जो कितना ऊंचा है 8,848 मीटर। और लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें नाम है कर्नाली, और लॉन्गेस्ट लेक की बात करें वो होगा रारा लेक। तो ये हमने नेपाल के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया, और जितने भी नेबर कंट्री है इंडिया के, जैसे हो गया बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, इंडिया का जो एरिया है वो भी आपको पता होना चाहिए 3.287 मिलियन वर्ग किलोमीटर। भूटान का एरिया भी आपको पता होना चाहिए 38,394 वर्ग किलोमीटर। और नेपाल का जो एरिया है, नेपाल का हमने डिस्कस कर लिया, और बांग्लादेश का जो एरिया है वो 147.57 के मीन्स 1000। तो ये हो जाएगा 147,570। तो ये हमने बाकी जितने भी एरिया वो भी हमने डिस्कस कर लिए। एक और जो क्वेश्चन पूछा गया योजना से रिलेटेड, तो हर शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट योजनाएं जो रिसेंटली 1-2 साल में लॉन्च हुई है वो आप उनकी जितनी भी फुल फॉर्म है वो आप जरूर पढ़ के जाइए। क्वेश्चन पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट में PMKSY, इसमें जो के है उस के का फुल फॉर्म ये पूछा गया था। तो गाइस आपको बता दें PMKSY की जो फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो कृषि से रिलेटेड ये योजना है, और यहाँ पर के की जो फुल फॉर्म हो जाएगी, के का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कृषि से रिलेटेड। और अगर हम इस जो योजना है उसके उद्देश्य की बात करें तो इसका जो मेन उद्देश्य है सिंचाई में निवेश में एकरूपता लाना और हर खेत को पानी के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, जो कि इस योजना का मेन उद्देश्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिल्कुल पूछा जा रहा है कि कोई भी स्टेट दे देगा उस स्टेट की, किस स्टेट के, बाकी चार ऑप्शन दे देगा कि किन के साथ बाउंड्री लगती है या किसके साथ बाउंड्री नहीं लगती। तो इस शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था अरुणाचल प्रदेश डज नॉट शेयर बॉर्डर विद विच स्टेट। अरुणाचल प्रदेश जो है किस स्टेट के साथ अपना जो बॉर्डर है शेयर नहीं करता। तो चार ऑप्शन तो हमारे पास नहीं है, बट जो अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड हम कुछ बातें जान लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो है उसके साथ जो बॉर्डर शेयर करता है, एक तो असम और एक नागालैंड, ये दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं इसके साउथ में। और साथ ही साथ शेयर द अरुणाचल प्रदेश की ही बात कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है भूटान के साथ, और साथ ही साथ म्यांमार के साथ, और एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम चाइना इन द नॉर्थ, और नॉर्थ में ये चाइना से अलग होते हैं बाय द डिस्प्यूटेड मैकमोहन लाइन। और जो अगर हम अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल की बात करें, कैपिटल होगी इसकी ईटानगर। तो इसमें यही मेंशन है कि अरुणाचल प्रदेश जो है, अगर हम स्टेट्स की बात करें तो इंडिया में असम और नागालैंड के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख लेना कि क्या क्वेश्चन दे रखा था। एक क्वेश्चन विमुद्रीकरण से रिलेटेड, डीमोनेटाइजेशन से रिलेटेड, आफ्टर डीमोनेटाइजेशन हाउ मच परसेंटेज मनी बैक टू आरबीआई, कितना पैसा आरबीआई के पास वापस आ गया विमुद्रीकरण के बाद, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। और हालांकि काफी न्यूज में था ये क्वेश्चन, तो आई थिंक ये आप क्वेश्चन कवर कर आए होंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 98.96%, अराउंड 99% जो पैसा था वो आरबीआई के पास वापिस आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, देखिए हम आपको
10 फॉर्मूले तो हम इन्हीं में से आपको कवर करवा देंगे। देखिए क्या है, आज जो क्वेश्चन पूछा गया, करंट गिवन था, वोल्टेज गिवन था, पावर आपने बतानी थी। तो मतलब एक ऐसी रिलेशनशिप जिसमें करंट, वोल्टेज और पावर हो। देखिए पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी आई, वी वोल्टेज के लिए, आई करंट के लिए। अगर हम कुछ वैल्यू पुट करेंगे, जैसे यहाँ पर वी की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, वी जो होता है, वोल्टेज जो होता है, पहला फॉर्मूला देखिए वोल्टेज का, वोल्टेज होती है आई इंटू आर। जब हम वी की वैल्यू आई आर पुट करेंगे, वी की जगह जब हमने आई आर पुट किया तो आई इंटू आई आई स्केयर और आर की जगह आर, तो पी का ये भी फॉर्मूला ठीक है वी आई, और जब हम वी की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा आर आई स्केयर, और जब हम बाकी वैल्यूज पुट करेंगे तो एक फॉर्मूला वी स्केयर डिवाइड बाय आर, ये भी पावर का फॉर्मूला बनता है। एक ये देखिए वी इज इक्वल टू आई आर। देखिए तीन वेरिएबल है, तीन में से अगर आपको दो वेरिएबल गिवन हो आप तीसरे की वैल्यू बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरह जब यहाँ पर करंट की वैल्यू अगर हमने निकालनी है तो ये जो आर मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड में हो जाएगा। तो फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में कौन कौन से वेरिएबल गिवन है, करंट और वोल्टेज गिवन है और पावर हमने निकालनी है। तो तीन वेरिएबल जिसमें करंट, वोल्टेज और पावर हो, वो हमारे पास यही फॉर्मूला है पी इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। पावर निकालना है, जस्ट वोल्टेज की करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर रेजिस्टेंस और करंट दे रखा हो तो फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा आर आई स्केयर, अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा हो तो पावर का जो फॉर्मूला बन जाएगा वी स्केयर डिवाइड बाय आर। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले बनेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था, करंट और वोल्टेज गिवन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच कंट्री, भूमध्य रेखा किस रेखा किस देश से नहीं गुजरती। चार ऑप्शन आपको दे रखे थे, केनिया, मेक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राजील। तो इसमें यह बताना था भूमध्य रेखा किस देश से नहीं गुजरती है। तो ये जो क्वेश्चन है सीएचएसएल 2015 में भी पूछा गया था, तो रिपीटेड क्वेश्चन में से भी पूछे जा रहे हैं। आप रिपीटेड क्वेश्चन अच्छे से कीजिए, प्लस करंट अफेयर आप करके जाइए, करंट अफेयर में से 5-6 क्वेश्चन बन रहे हैं और एक आप कर जाइए स्कीम, तो इसमें आपके 15 क्वेश्चन तक इजीली कवर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस नहीं पढ़े हो फिर तो कहाँ से क्वेश्चन होंगे। तो ये प्रीवियस ईयर काफी बार रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है जिसमें आपने डायरेक्ट आंसर लगाना था। इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो होगा मैक्सिको, भूमध्य रेखा मैक्सिको से नहीं गुजरती है। तो जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन किए हुए वो इजिली इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था FIU से रिलेटेड, FIU में आई स्टैंड, आई की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, एग्जैक्ट इसका क्वेश्चन हमारे पास पूरा नहीं आया है। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन हमारे पास जैसे जैसे आते रहेंगे तो उस सब की अपडेट हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट करते रहेंगे। जैसे ही आपके पास जितना भी पेपर हमारे पास आएगा वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट करते रहेंगे, और जिन स्टूडेंट्स के पास अभी क्वेश्चन है वो हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, तो बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ, इस YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद।